हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आप सबको को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया क्लिप प्रोजेक्ट जो इस पर फारूक सॉन्ग होने वाला है, ठीक है। भोजपुरी सॉन्ग है बट फारूक सॉन्ग है, तो देखते हैं बगैर देरी के कैसा है, ठीक है। और अच्छा लगे तो जोर लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो जो लाइक नहीं करते हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लाइक किया करो, क्योंकि आप लोग हमको पता है कि आप लोग क्यों वहाँ पर डिसलाइक मारते हो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, पहले आप लोग थोड़ा सॉन्ग सुन लो, ठीक है ना। तो सॉन्ग मेरा कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। कहाँ गया, किधर किधर किधर, चलिए यहाँ से सुनाते हैं, ठीक है ना। और सॉन्ग का जो मास्टरिंग है बताइए कैसा किया हुआ है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा सॉन्ग है, जब हम इसको बीट के साथ चलाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हो बीट कितना लंबा लंबा क्रिएट है। तो चलिए जब हम बीट के साथ इसको चलाएंगे तो कुछ इस तरीके का साउंड निकलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा FL5 प्रोजेक्ट का जो थोड़ा सा डेमो वर्जन था वो है। जब हम उसको फुल सुनेंगे तो कुछ अलग ही टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो कड़ाव, क्या बोलते हैं, कड़ाव यानी कौए की आवाज़ का थोड़ा सा यहाँ पे हम ड्रॉप यहाँ पे निकाले हैं, ठीक ना। तो मैं सुनाऊँगा, ठीक है। सुनाने से पहले मैं बता दूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड कहीं पर भी दिख सकता है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं पर भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहीं कहीं बताते रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पासवर्ड के लिए आप लोग वीडियो देखते हो तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये गलत है जब पासवर्ड के लिए जब वीडियो देखते हो तो, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए वीडियो मत देखा करो, वहाँ पर देखिए क्या पे क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि सिर्फ FLP देने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा कुछ वहाँ पे सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और क्या जो डिसलाइक मारते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, पहले वीडियो पहले देख लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मेरा स्टार्टिंग वहाँ से हाफ कटिंग करके थोड़ा सा जो स्टार्टिंग सॉन्ग का था वो स्टार्टिंग रखा, बीच में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो सुनिए उसके बाद बताइएगा कैसा है, ठीक है। Music.
तो फ्रेंड्स बताइए कि FLP कैसा है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे जब मैं स्टॉप करता हूँ सॉन्ग को तो यहाँ पे डबलिंग साउंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगाया इफेक्ट तो इसलिए कर रहा है, क्योंकि जब ये सॉन्ग चलेगा उस समय नहीं करेगा, ठीक ना। जब मेरा सॉन्ग स्टॉप होगा तभी ये डबलिंग साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे वहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो चलिए जब हम चलेंगे जब मेरा मिक्सर चैनल पे, ठीक है, मिक्सर चैनल पे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जो मेरा बीट है, ठीक है, बीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट है। तो चलिए पहले बीट सुन लेते, उसका तो मिक्सर चैनल पे वोकल जो मेरा उसका बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले जो मेरा पैटर्न है वो देखते हैं, ठीक है। मैं फटाफट पैटर्न दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं शो करके दिखाऊंगा उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप डाउनलोड करके वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे स्टॉक प्लगइन का भी है, कुछ अलग प्लगइन से भी यूज करके निकाला गया है, ठीक है। ऐसे तो कोशिश किया है कि मतलब कि जो भी हो स्टॉक प्लगइन से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे मेरे वोकल पे, ठीक है, कैसे कैसे वहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे जो मेरा वाइब्रेशन है सुपर बेस का, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन की वॉल्यूम एनिमेशन के कारण वो यहाँ पे साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हम सुनते हैं तो यहाँ पे साउंड एक निकालता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक देख सकते हो सुपर बेस सुना देते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा वोकल दिखा दूँ कि किसी तरह से यहाँ पे वोकल निकाला गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल मास्टरिंग है, वोकल मेरा है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, ठीक है। तो 6 नंबर वोकल आने के बाद हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज किया है देख सकते हो, एक रिवर्ब है, एक डिले है और एक इफेक्ट्स है, ठीक है। तो ये 3 प्लगइन यूज करके यहाँ पे इफेक्ट डाला गया था। रिवर्ब में क्या, रिवर्ब में मेरा जो एक आता है फ्रोटी रिवर्ब 2 ये, तो ये VST प्लगइन तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसी का यूज करके यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, ठीक है। बट क्या है कि मैंने यहाँ पे साइड चेनिंग किया, ठीक है, तो इसलिए कुछ इस तरीके का साउंड करता है। उसके बाद डीले, तो डीले में भी आप लोग यहाँ पे ये वाला देखे होंगे, ठीक है। तो डीले में फ़र्क है ये कि इसको लेने के बाद, ठीक है, इसको भी साइड चेनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे एक लगाया है ये, अच्छा भाई कहाँ गया ये मेरा फ्रूटी पीकर कंट्रोलर है, ठीक है। जब हम इसको डी अटैच करके कुछ यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, इमेजिन टाइप का बोल सकते हो मैजिक, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं डाउन, इधर इसको और इधर इसको, और मेरा जो वोकल है वोकल वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 ओके। अब यहाँ पे आप सुनिएगा, ठीक है, सुनिएगा क्या कि ये मेरा जो नॉब है ये वाला, ठीक है, ये मेरा नॉब हिलेगा डुलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, देख सकते हैं कि मेरा एडजस्टमेंट इतना पे है, ठीक है, लगभग 31.3% है, ठीक है, यानी 31.3%। अगर जब ये क्या बोलते हैं इसको, जब मेरा वोकल चलता है, ठीक है, जब मेरा वोकल चलेगा तो ये अप्रॉक्स डाउन आ जाएगा, यानी माइनस में जाएगा, ठीक है। जब मेरा वोकल रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक वो 3.3 पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पीक कंट्रोलर से यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब तो मैं ऑलरेडी मैं बताऊँगा वीडियो में, बट आप लोग तो लाइक मारते नहीं हो, तो सो नो प्रॉब्लम, आप लोग की इच्छा जैसी करो, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम वोकल चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि मेरा नॉब डाउन होगा, जब मैं वोकल रोक दूंगा तो ये अप होगा, इसलिए वहाँ पे डबलिंग डबलिंग साउंड निकालता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट, क्योंकि ये इफेक्ट हम इसलिए यहाँ पे लगाए थे क्योंकि थोड़ा सा वोकल में थोड़ा सा जाना जाए, ठीक है। तो एक बार और आप लोग को सुनाया था, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने देख लिया, ओके। तो एक और यहाँ पे हम लगाए हैं, उसके बाद है FX, ठीक है।
तो FX में मेरा कौन सा है, तो FX में मेरा एडिशन का आता है, इफेक्टर सॉरी इफेक्टर का आता है, ठीक है। तो ये भी प्लगइन, जितना भी प्लगइन यूज कर रहा हूँ सब स्टॉक प्लगइन है, तो इसमें कोई बेझिझक वाली बात नहीं है, आप लोग भी यहाँ पे यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइए कि FLP आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। और पासवर्ड की बात आई तो पासवर्ड आप लोग को स्क्रीन पर भी मिल गया था, और जो मेरा लास्ट पासवर्ड है वो है 49, ठीक है। तो 49 यानी आप लोगों को 5 स्टेप में पासवर्ड मिला है, ठीक है। मेरा ये लगाकर 5 स्टेप हो गया, 4 स्टेप स्क्रीन पे है, आप कहाँ पे है ये कमेंट करके मत बताइएगा, और जो पासवर्ड शेयर होता है वो कमेंट में मत डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप डालोगे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, या मैं आप लोग को चैनल पे बैन कर दूंगा, तो आप लोग कमेंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पासवर्ड कमेंट बॉक्स में ना डाला करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइए कि FLP आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को कुछ दिन के बाद मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, जब मैं लाइव आऊँगा तो, ठीक है। तो उस दिन बात करेंगे क्या है, ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट FLP प्रोजेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो और नए नए सॉन्ग के साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।